अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मुंबई का फेमस नान की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजीली हम इसे घर पर बना सकते हैं। 1 कप मैंने ऑल पर्पज़ फ्लार लिया है मैदा, 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है, ये वॉर्म मिल्क लिया है मैंने, 1/3 कप मेल्टेड बटर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है, 1 एग लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून मैंने एक्टिव ईस्ट लिया है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने, ये 1/2 कप वॉर्म वाटर लिया है। ईस्ट को हमें एक्टिवेट करना है, उसके लिए मैंने ये वॉर्म वाटर लिया है 1/2 कप। 1 टेबल स्पून हम शुगर ऐड कर लेंगे इसमें, 1 टेबल स्पून ईस्ट लिया है मैंने, इसे भी ऐड कर लें। अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। हम ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए इसे कवर करके अराउंड 10 मिनट्स तक साइड में रख लेंगे। देखिए, एक एम्प्टी बोल लिया है मैंने, थोड़ा साइज़ में बड़ा ले लें बिकॉज हमें हमारे डो को राइस करना है। इसमें हम वॉर्म मिल्क ऐड कर लेंगे, ये मैंने 1/2 कप वॉर्म मिल्क लिया है। इसी में हम मेल्टेड बटर ऐड कर लेंगे, 1 एग लिया था मैंने वो भी ऐड कर लें, 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया था इसे भी मैं ऐड कर लूँगी। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। देखिए, हमारा ईस्ट अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गया है। ये हमारा एक्टिवेटेड ईस्ट भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसे भी अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे एक बार। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड कर लें। देखिए, इसी तरीके का हमें डो प्रिपेयर करना है। अराउंड 3 आवर्स के लिए इसे मैं रूम टेम्परेचर पे रख लूँगी ताकि हमारा डो अच्छी तरीके से राइज हो जाए। देखिए, हमारा डो अच्छी तरीके से राइज हो गया है। हाफ कप मैदा मैंने और लिया है, ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। ऑल टुगेदर हमने 1.5 कप मैदा लिया है इसमें। ये मैंने एक बेकिंग टिन लिया है, इसे हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। हम हमारे हाथों को भी अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। देखिए, हमें डो का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है। डो काफ़ी स्टिकी रहना चाहिए हमारा। देखिए, हम हमारे फिंगर्स से इसे अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। इसे भी हम कवर करके अराउंड 15 to 20 मिनट्स के लिए साइड में रख लेंगे। ये थोड़ा राइज होने के बाद हम इसे बेक करेंगे। देखिए, हमारे नान अच्छी तरीके से राइज हो गए हैं, इसे हमें बेक करना है। मैंने मिल्क लिया है, मिल्क हम इस पर ब्रश कर लेंगे। मिल्क से बहुत ही अच्छा कलर आता है, आप एग भी लगा सकते हैं इस पर। अवन को मैंने प्रीहीट करने रखा है। नान को हम 220 डिग्रीज पर अराउंड 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। देखिए, नान अच्छी तरीके से बेक हो गए हैं। इस पर हम थोड़ा बटर ब्रश कर लेंगे। देखिए, कितने ज़बरदस्त से नान प्रिपेयर किए हैं हमने।
ये मुंबई के बहुत ही फेमस नान है। घर के बने जो नान है वो मार्केट के नान से काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।